गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हमारी सेकंड पार्ट है ये वीडियो का। इस सेकंड पार्ट में हम लोगों ने फियोफाइसी करना है। क्लोरोफाइसी हमने कर लिया था, अब हम करेंगे फियोफाइसी। फियोफाइसी का मतलब ब्राउन एल्गी। ब्राउन एल्गी जो है ये कॉमनली इसमें फ्यूकोजेंथिन नाम का एक पिगमेंट पाया जाता है, और इनको हम सीवीड्स या कैल्प्स KELPS कैल्प्स के नाम से भी जानते हैं। ब्राउन एल्गी जो है ज़्यादातर मेराइन ही होती है, कोल्डर सीज में पाई जाती है, और सारे ही सेल मेंबर्स इसके मल्टी सेलुलर होते हैं। सेल वॉल में इसकी सेलुलोज, पेक्टोस, फाइकोकोलाइड्स होते हैं, और ज़्यादातर एक कवरिंग होती है एल्जिन पिगमेंट की आउटसाइड द सेल्स। हिटरोट्राइकस फिलामेंट होते हैं ये, मतलब अपराइट और प्रोस्टेट दोनों तरह की ब्रांचेस होती हैं इनमें। प्लांट बॉडी लार्ज होती है, ज़्यादातर एक होल्ड फास्ट में बंटी हुई एक स्टाइप और लैमिना। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जो हैं इसमें क्लोरोफिल ए, सी, कैरोटीनॉइड्स ये होते हैं। रिजर्व फूड मटेरियल इसमें लैमिनेरियन या मैनिटोल स्टार्च के नाम से पाया जाता है। और रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें इसमें, रिप्रोडक्शन तो रिप्रोडक्शन जो है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन से होती है, जैसे सरगसम इसका एग्जांपल है। एडवेंशियस ब्रांचेस से डिक्टोटा में। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जू स्पोर से होती है, जो बाई फ्लैजलेट्स होते हैं, यानी दो फ्लैजला उनमें होते हैं, बाई फ्लैजलेट्स, और पीयर शेप्ड हैविंग टू अनयूकलेटरली अटैच्ड फ्लैजला। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है आइसोगैमी, एन आइसोगैमी और ईगैमी, दोनों ही तरीके से हो जाती है, ठीक है। लाइफ साइकिल की अगर बात करें तो आइसोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है ब्राउन एल्गी में। एक्टोकार्पस, डिक्टोटा, इनमें जो है जल्दी जनरली डिप्लॉयड फेज डोमिनेट रहता है। हैप्लॉयड फेज जो है या तो माइक्रोस्कोपिक होता है या फिर गैमेट ही उसको रिप्रेजेंट करते हैं बस। फिर आती है इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस की। इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस क्या है फियोफाइसी की? इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस जो है ब्राउन एल्गी मोस्टली फूड, लैमिनेरिया, नेरोसिस्टिस और मैक्रोसिस्टिस, ये नाम है इनके जिनको हम फूड के रूप में जनरली यूज़ करते हैं। कुछ ब्राउन एल्गी हैं जैसे फ्यूकस हो गया, सरगसम हो गया, ये जो है ये कैटल के फॉडर के लिए यूज़ की जाती है। ब्राउन एल्गी जो है ये मैन्योर के रूप में भी यूज़ की जाती है। एल्जीनिक एसिड एक इससे प्रोडक्ट ऑब्टेंड होता है केमिकल, और जो इमल्जीफायर का काम भी करता है, शेविंग क्रीम्स में, आइस क्रीम्स में, इमल्जन पेंट्स में, शैम्पू, कॉस्मेटिक्स में भी यूज़ होता है। इसके बाद आपके पास आता है फ्यूकस और लैमिनेरिया जो कि आयोडीन में रिच हैं, दे आर रिच इन आयोडीन। फिर है क्लास रोडोफाइसी। रोडोफाइसी क्लास में कॉमनली इसको हम रेड एल्गी के नाम से जानते हैं। इसमें एक मेन पिगमेंट पाया जाता है आर फाइको इराइट्रिन का। हैबिटेट अगर हम कहें तो रेड एल्गी जो है मेराइन है, विद ग्रेटर कंसंट्रेशन फाउंड इन बार्मर एरियाज। थैलस है इसमें मोस्टली रेड एल्गी है, मल्टी सेलुलर हैं। सेल वॉल जो है सेलुलोजिक पेक्टिक कंपाउंड्स की बनी हुई होगी इनकी। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जो हैं वो क्लोरोफिल ए, कैरोटीन्स, जेंथोफिल्स और फाइकोइराइथ्रिन एंड फाइकोसाइनिन जो हैं वो पाए जाएंगे, ठीक है। रिजर्व फूड मटेरियल की अगर हम बात करते हैं, रिजर्व फूड मटेरियल की अगर हम बात करें तो रिजर्व फूड मटेरियल इसमें फ्लोरिडिन स्टार्च होता है, फ्लोरिडिन स्टार्च। और रिप्रोडक्शन जो है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन ऑफ होल्ड फास्ट, गैमा कप्स इनके जरिए होती है, गैमियाई के जरिए, सॉरी गैमा कप्स नहीं, गैमे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो नॉन मोटाइल गैमेट से होगी, ऊगेमस टाइप है। मेल सेक्स ऑर्गन जो है जनरली मेल सेक्स ऑर्गन जो है एंथ्रीडियम, और ये फीमेल सेक्स ऑर्गन कार्पोगोनियम के नाम से जाना जाता है।
लाइफ साइकिल में ओनली टू और मोर फेजेस होते हैं, जैसे हैप्लो हैप्लोंटिक, हैप्लो डिप्लोंटिक, हैप्लो डिप्लो हैप्लो हैप्लोंटिक। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ रेड एल्गी क्या है? इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस जो है रेड एल्गी की ये है, जैसे मैंने आपको बताया था कि कुछ रेड एल्गी हैं जिनको फूड के रूप में यूज़ करते हैं, जैसे पोरफायरा, सेंटीरेला एट्सेट्रा। अगार मीडियम जो कि टिश्यू कल्चर में यूज़ होता है उसको रिलीज़ करने के लिए होता है। आपके पास ग्रेसिलेरिया, जेलेडियम, ये भी रेड एल्गी हैं। और कैराजेनिन एक फाइकोकोलाइड है, रेड एल्गी से ही रिलीज़ होता है ये, और क्लियरिंग लिक्विन और लेदर फिनिशिंग में काम आता है। कुछ एल्गी ऐसी भी हैं जैसे कोरेलिना, पॉलीसाइफोनिया, जो कि मेडिकल प्रॉपर्टीज़ के साथ हैं, मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ के साथ हैं, जिनको एज ए मेडिसिन भी यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ये एल्गी हमारा कवर हो गया। अब ब्रायोफाइट्स हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।